हमारी गैलेक्सी में इतने स्टार्स हैं, अगर आप उनको गिनने बैठेंगे तो आपको 7000 साल लग जाएंगे, जो एक इंसान अपनी मौजूदा जिंदगी में कभी भी नहीं गिन सकता। जरा सोचिए, हमारी गैलेक्सी ही इतनी बड़ी है जिसे अच्छी तरह से देखा नहीं जा सकता, तो हमारी कायनात कितनी बड़ी होगी। इतनी बड़ी कायनात में इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं जिनका साइज आपकी सोच से भी ज्यादा बड़ा है। और आज की इस वीडियो में हम कायनात में मौजूद बड़ी से बड़ी गैलेक्सीज के बारे में जानेंगे, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे एक बहुत बड़ी गैलेक्सी है जिसका साइज 1,30,000 लाइट ईयर है, जिसके अंदर 200 अरब से ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं। ये एक स्पाइरल शेप की गैलेक्सी है। इसके गिर्द दो गैलेक्सीज ऑर्बिट करती हैं, जिनका नाम स्मॉल मैग्नेटिक क्लाउड है और लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड है। हमारी स्मीन इसके सेंटर से 25,000 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इसके अंदर हमारी गैलेक्सी का सबसे बड़ा स्टार स्टीफन सन 218 मौजूद है। ये स्टार हमारे सूरज से 2000 गुना ज्यादा बड़ा है, जिसके अंदर 10 अरब सूरज आसानी से आ जाएंगे। ये बात आप जान लें कि हमारी गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि अगर इसे स्टीफन सन 218 जैसे स्टार से भरा जाए तो इसमें 8000 खरब खरब स्टीफन सन 218 जैसे स्टार आएंगे। अगर इसे वॉयजर स्पेसक्राफ्ट से पार करने की कोशिश की जाए तो वॉयजर 1 स्पेसक्राफ्ट को इससे बाहर निकलने में 2 अरब साल लग जाएंगे। अगर हमारी गैलेक्सी को लाइट की स्पीड से पार किया जाए तो भी हमें इस गैलेक्सी को पार करने में 1,30,000 साल लग जाएंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारी गैलेक्सी कितनी बड़ी है। इसके बाद आती है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो हमारी करीबी गैलेक्सी है, जो हमसे 25 लाख लाइट ईयर दूर है। इसका साइज हमारी गैलेक्सी से 2 गुना ज्यादा बड़ा है, जिसमें 10 खरब स्टार्स मौजूद हैं, जो हमारी गैलेक्सी में मौजूद स्टार से 5 गुना ज्यादा हैं। ये गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि इसे आप जमीन से खड़े होकर अपनी आंखों से देख सकते हैं। साइंसदान पहले इसे एक नेबुला समझते थे, लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये एक नेबुला नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी में इतने स्टार्स हैं कि अगर आप हर स्टार्स को एक सेकंड के लिए देखें तो आपको सभी स्टार्स को देखने में 32,000 साल लग जाएंगे। इतनी ज्यादा बड़ी गैलेक्सी होने के बावजूद इसका मास हमारी गैलेक्सी से 2 गुना ज्यादा है, लेकिन इसे पार करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर आप इसे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में पार करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत बड़ी बड़ी नेबुलास और स्टार्स क्लस्टर को पार करके जाना होगा, जो कई लाइट ईयर्स में फैले हुए हैं। अगर हम इस गैलेक्सी को वॉयजर स्पेसक्राफ्ट से पार करने की कोशिश करें तो हमें इस गैलेक्सी को पार करने में 4 अरब साल लग जाएंगे। अगर हम लाइट की स्पीड से इसे पार करते हैं तो हमें 2 लाख साल लग जाएंगे। अगर हम इस गैलेक्सी को स्टीफन सन 218 जैसे स्टार से पढ़ते तो इसमें 40,000 खरब खरब स्टार्स आएंगे, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गैलेक्सी मिल्की वे से भी कितनी ज्यादा बड़ी है। इसके बाद बात करते हैं UGC 2885 गैलेक्सी की, जो हमारी स्पीड से 23 करोड़ लाइट ईयर दूर मौजूद है, जिसका साइज 4,63,000 लाइट ईयर है। ये गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से 4 गुना ज्यादा बड़ी है। साइंस की एक स्टडी के मुताबिक इसमें 50 खरब से भी ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं। अगर हम इन सभी स्टार्स को गिने तो हमें 1,60,000 साल लग जाएंगे। ये अब तक की ढूंढी गई सबसे बड़ी स्पाइरल गैलेक्सी है। ये गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि अगर हम इसे भी वॉयजर 1 स्पेसक्राफ्ट से पार करें तो हमें इसे पार करने में भी 8 अरब साल लग जाएंगे। अगर आप इसे लाइट की स्पीड से पार करते हैं, जिसमें टाइम डायलेशन भी हो सकता है, यानी टाइम आपके लिए स्लो हो जाएगा, तो इसे पूरी तरह से पार करने में आपको 6,500 साल लग जाएंगे। यानी इस गैलेक्सी को भी हम किसी भी तरह अपनी लाइफ में पार नहीं कर सकते। ये इतनी बड़ी है कि इसके अंदर हमारी गैलेक्सी जैसी 45 गैलेक्सीज आसानी से आ जाएंगी। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गैलेक्सी इतनी ज्यादा बड़ी है। लेकिन ये गैलेक्सीज भी आगे आने वाली गैलेक्सीज के सामने कुछ भी नहीं है। अब हम जिस गैलेक्सीज के बारे में जानेंगे उसके साइज के बारे में जानकर आपके होश उठ जाएंगे। हमारी स्पीड से 100 लाइट ईयर की दूरी पर एक गैलेक्सी मौजूद है,
जिसका नाम IC-11-01 है, ये एलिप्टिकल शेप की गैलेक्सी है, यानी इसमें मिल्की वे गैलेक्सी की तरह कोई भी आम नहीं है। इसका साइज 40 लाख लाइट ईयर है। इसमें मौजूद स्टार्स की तादाद को जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक स्टडी के मुताबिक इसमें 1000 खरब स्टार्स मौजूद हैं। इन सभी स्टार्स को गिनने में ही 32 लाख साल लग जाएंगे। इसका साइज इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारी गैलेक्सी जैसी 30,000 गैलेक्सी आसानी से आ जाएंगी। अगर हम इस गैलेक्सी को वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट से पार करने की कोशिश करते हैं तो हमें इसे पार करने में 70 अरब साल लग जाएंगे, जो हमारी कायनात की उम्र से 5 गुना ज्यादा टाइम है। अगर आप इस गैलेक्सी को लाइट की स्पीड से पार करने की सोचते हैं तो अभी इसे पार करने में आपको 40 लाख साल लग जाएंगे, यानी कुछ भी हो जाए इसे पार करना नामुमकिन है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कायनात की सबसे बड़ी गैलेक्सी है तो आप गलत सोच रहे हैं। कुछ माह पहले साइंसदानों ने इससे भी बड़ी गैलेक्सी ढूंढी है, जिसके साइज ने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। ये गैलेक्सी हमारी स्पिन से 300 करोड़ लाइट ईयर दूर मौजूद है। इसका नाम ये है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है जो हर एक सेकंड में लाखों सन्स के बराबर मैटर को खा रहा है और फिर ऐसी रेडिएशन को खारिज करता है जिनकी स्पीड लाइट के बराबर होती है। ये जेट हजारों लाइट ईयर दूर तक जाते हैं और फिर स्लो हो जाते हैं और फिर रेडियो वेव्स को खारिज करने लगते हैं। इन्हीं रेडियो वेव्स की मदद से साइंसदानों ने इसे ढूंढा। इसका साइज 1,60,00,000 लाइट ईयर है। इसका डायमीटर पिछली गैलेक्सी से 4 गुना ज्यादा बड़ा है और इसके अंदर 18 लाख मिल्की वे गैलेक्सीज आसानी से आ जाएंगी, जो हैरान कर देने वाली बात है। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के जरिए हम उस गैलेक्सी को क्यामत आने तक भी पार नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इसे लाइट की स्पीड से पार करेंगे तो आपको इसे पार करने में 1,60,00,000 साल लग जाएंगे। ये गैलेक्सी हमारी कायनात की सबसे बड़ी गैलेक्सी है। साइंसदानों को अभी इसके साइज के बारे में नहीं पता, लेकिन वो अभी भी इसे स्टडी कर रहे हैं कि ये गैलेक्सी हमारी सोच से भी कई गुना ज्यादा बड़ी हो। हमारी कायनात इतनी बड़ी है जिसके सामने ये गैलेक्सी कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस अजीम कायनात को अल्लाह ताला ने बनाया है, जो सच में बहुत ज्यादा बड़ी है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।